प्रयागराज कुंभ मेले में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा लगातार चल रहा है। वहीं निर्मोही अखाड़ा ने कहा कि अयोध्या में रामलला का ही मंदिर बनेगा और मंदिर का निर्माण पीएम मोदी और सीएम योगी कराएंगे। इस शुभ कार्य में निर्मोही अखाड़ा उनके साथ है। साथ ही मस्जिद निर्माण की बात को निर्मोही अखाड़ा ने झूठा ठहराया। मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और अयोध्या नगरी भगवान राम की है। वो लोग जो बात करते हैं कि जो है मस्जिद की, तो मैं समझता हूँ हमारे निर्मोही अखाड़े के हो नहीं सकते, वो हिंदू हो नहीं सकते, वो साधु हो नहीं सकते। वहाँ सिर्फ राम जी की नगरी अयोध्या है, भगवान राम का मंदिर होना चाहिए। मस्जिद की बात करते हैं, न वहाँ मस्जिद थी और न होगी। और जो है मैं निर्मोही अखाड़े के साथ और निर्मोही अखाड़े की तरफ से बोल रहा हूँ कि जो है वहाँ भगवान राम की नगरी थी, भगवान राम का मंदिर होना चाहिए। वही अखाड़ा पहल वैसे ही कर रहा है जिसमें जनता की भावनाओं को लेके भगवान राम की नगरी अयोध्या थी, भगवान राम का मंदिर वहाँ होना चाहिए, उस मत में, उस स्वर में निर्मोही अखाड़ा एक साथ है। कल भी है कि कोई भी चीज का जब इतने बरस जो है हम इंतजार किए, तो अभी जो है करना कोई गलत बात नहीं। अभी जो यहाँ धर्म संसद हुआ तो मैं वो सबका स्वागत करता हूँ और सबसे अनुरोध करता हूँ कि धीरज रखें। आने वाला समय जो है भगवान राम का मंदिर बनेगा और यही मोदी सरकार बनाएगी, बीजेपी सरकार बनाएगी। मंदिर को लेकर के कि समय निर्धारित जरूर नहीं हो रहा, पर उसकी रास्ता प्रशस्त हो रही है। अभी जो केंद्र सरकार ने न्यायालय में याचिका, एक निवेदन पत्र दे करके, प्रार्थना पत्र दे करके अपनी 86 एकड़ जमीन जो अधिग्रहित है उसे मांगा है, और अगर वो कदम केंद्र सरकार का बहुत ही प्रशंसनीय है, वो जमीन मिलते ही और राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। क्योंकि विवादित जमीन केवल 2.77 एकड़ है और निर्विवादित जमीन जो केंद्र सरकार ने अधिग्रहित की थी वो 86 एकड़ है, जिसमें 82 एकड़ जमीन केवल रामलला की है। शेष जो जमीन है वो किसी न किसी काश्तकार की, हिंदू परिवार की है, जिसका मुआवजा गवर्नमेंट दे चुकी है। जो जमीन भी मुआवजा भी दे करके वो जमीन भी सरकार की हो गई है, इसलिए 86 एकड़ में निर्विवाद काम शुरू हो जाएगा और राम जन्मभूमि का निर्माण उसी दिन शुरू हो जाएगा जिस दिन हमें 86 एकड़ जमीन प्राप्त।